सैनी के लिए हाँ राम सिंह जी सैनी साहब हेलो चंद्र के प्रकाश उजालो तू ही हमारो कर्जा जो चंद्र से प्रकाश उजालो तू ही हमारो कर्जा जो ज्योति मात में फूले को नाम अमर दुनिया में जग बसाव तेरी माता भाई नाम अमर दुनिया में जग बसाव तेरी माता सारा दंड फंद नहीं छोड़ो सुनो समाज की माता सुनो समाज की माता माली जाति तो न समर ममता बर जो भाई माली जाति तो न समर ममता भैर जो सीधी गुडा गाँव नया गो स्वागत जो आज तो के तू छोरा मारा मन की भाई अरे आज तो के तू छोरा मारा मन की जोड़ी राम लखन सी लागे भाई विदात सीती की भाई विदात सीती की आज तो के
पान में छाण को मुद्दो राजस्थान में छागो छाती तान रहू बोला दो सात समाज जागो मारी जागो या पान खुला तुम सुख हमारी ओर से और इस सैनिक सैनिक समाज की ओर से यह तहे दिल से इस गुड़ाचंद्र जी क्षेत्र की ओर से हम तहे दिल से भाई का आभार प्रकट करते हैं कि इस गुड़ाचंद्र जी क्षेत्र में मत घबरा वैसी पीजी ये पानी सात दबा देगा कैसे 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 मत घबरा वैसी पीजी ये मारी सात दबा देगा कैसे जागरो करे पसीनो नदी खून की भरेगा ना बोल दे ना और बोल 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 दे आपके बदले कर लेंगे तू तो लिया अरे जाएगा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 अरे बैठ जाओ बैठ जाओ ओ बैठ जाओ रे बैठ जाओ हेलो अरे बैठ जाओ भाई बैठ जाओ ओ बैठ जाओ बैठो भाई सबसे पहले तो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रणाम करता हूँ माँ सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूँ हमारे समाज में जन्मे महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ मेरे भाइयों या मंच पर विराजमान मेरे पिता तुले गुजर मेरे साथ बहुत सारे क्रांतिकारी साथी और मेरे सामने विराजे मेरे पिता तुले गुजर मेरे युवा साथी मेरी माताएं और बहन आप सारे जो लोग गेट पे खड़े हैं थोड़ा सामने आ जाएं भाई क्या है कि 75 साल से तो वैसे ही अपनी दूरी लंबी चौड़ी थी 75 साल बाद में हम लोग इकट्ठे होने लगे कोई बात नहीं बैठे नहीं रह सकते तो खड़े रह जाओ भाई 75 साल बाद में मिल रहे हैं ना भाई इससे पहले तो कभी कोई आंदोलन छोड़ा था बाबा माड़ियों ने कभी आंदोलन किया था क्या तो 75 साल बाद में मिल रहे हैं तो जोर शोर से मिलना चाहिए तो जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ में हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से एक मांगते जोरदार नारा हम हमारा हक मांगते किसी से हम हमारा हक मांगते
मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई आप समझो, अपने गांव के लोग देखो पैसे वाले को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करके जाऊंगा आप सबका। मैं पैसे वाले को वैसे मतलब नहीं है, बताओ मतलब है क्या? और वो ऐसे बैठे लोग हैं तो उनको तो वैसे मतलब नहीं है, मध्यम वर्ग को वैसे फुर्सत नहीं है। अब जरूरत है हम जैसे गांव में रहने वाले गरीब लोगों को, जो हमारे पास में वैसे खेतों में पानी देने से फुर्सत नहीं, यही कहानी है ना। तो मैं आप भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लड़ क्यों रहे हैं। भाई जब तक सही दिशा से नहीं लड़ेंगे, हम खेती करते हैं तो सबसे पहले उसमें बाल लगाते हैं, फिर मेज लगाते हैं, फिर इसमें बीज डालते हैं, फिर टाइम पे आने वाले यूरिया देते हैं, कोरण करा, प्लस टाइम पे टाइम करते हैं ना भैया। यही हर लड़ाई है, टाइम पे टाइम, धीरे 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 हो गया है। एक साथ हथेल में सर से बोलोगे तो मारो के वो मतलब ये है कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ, एक दिन की लड़ाई को लिया 100 दिन की लड़ाई है, मजबूती के साथ मुट्ठी बांध लो और अपना शरीर में जो खून बह जाए, जो अपने गुलामी को खून छो कि अपना जो लोग आओ जाओ बेवकूफ बनाओ जाए, अरे तू बीजेपी को आती, तू कांग्रेस को आती, वे जो ठेकेदार बन रहे घूम रहे जो एसी में बैठे ही, और वे आपने ज्ञान दे रहे हैं क्या यार कि वो उनको आदमी है, वो बीको आदमी है। अब थाने में थोड़ी देर बाद में आ रहे हैं वो सीपी के तकरा मंदिर है, जो वो तो फलाड़ों का आदमी है। लेकिन ये आज जो लड़ाई जीती है ना, वो 50% लड़ाई तो जीत ली आप, और वो 50% लड़ाई जीती है अपना गांव का तंबल जीता। ये शहर वाला तो एसी में बैठा रहे और मैंने कोई मतलब ही नहीं, बताओ कितनी बार आया कोई 75 साल में कोई आएगा मगर दिक्कत आओ जे वोट ले बाओ सबको। और आप है, अरे बाबा वोट देना है, और आप आने बेकू बनाओ तो फिर वोट ले जाए जे, आप लोग टैक्स ले जाए जे, हर आदमी टैक्स भरे हम लोग, सीधी सीधी बात समझ लीजिए मेरे युवा साथी हैं भाई, आप भी सोच लो, टैक्स देते हैं हम लोग, कपड़े लेके आते हैं टैक्स देते हैं, चप्पल पहनते हैं टैक्स देते हैं, जूते खींचते हैं टैक्स देते हैं। आप जो मोटरसाइकिल चलाते हो उसमें 36 रुपए का पेट्रोल है, वो 110 रुपए में खरीदते हो, आपने पता है कि 136 रुपए में पेट्रोल मिला है और कड़े 110 रुपए में, तो क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि सरकार आप ये टैक्स का मतलब सुविधा, लेकिन आप तो सुविधा ले बताने का देखे यही आज मजबूरी होगी कि अपना आदमी सारा दिन खेत में बैठेड़ा बैठेड़ा सोचे कि खास मेरे छोरों भी डॉक्टर हो, खास मेरे छोरों भी कलेक्टर हो, तो आज यही बताओ आपने थाना चौकी है, अगर भी कहें ना आप लोग कोई थानेदार बैठे हुए जरा आपकी बात सुन लो, कौन सुन लेते ना तुरंत, लेकिन आज समस्या है ना तो कोई कलेक्टर है ना कोई एसपी, और आप लोग सिर्फ आवाजे और बेवकूफ बना कर हम वोट ले जाए। इसलिए ये लड़ाई अपने को मजबूती के साथ लड़नी है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको अपने इस भाई पे विश्वास रखना पड़ेगा कि सीपी भाई जो लड़ रहे हैं वो सही ढंग से लड़ रहे हैं। हमने 11 सूत्रीय मांगे रखी, और 11 सूत्रीय मांगे कैसे रखी थी मैं गांव की भाषा में समझाऊंगा आपको, और मेरी माताओं थे भी समझ लीजिए कि भाई आप लड़ाई नहीं रहे, सबसे पहले खेत के अंदर कहीं डाला आपका खाद डाला तो सबसे पहले खाद चाहे तो बनाए, हमने कहा पहले सबसे पहले हमें महात्मा फूले बोर्ड सी, और महात्मा फूले बोर्ड बनता ही अपना के खाद बीज की व्यवस्था होगा, मतलब अपना बच्चा यहाँ से आपका बेटा जयपुर पढ़ना जाए तो 15,000 रुपए रहने के लिए जगह चाहिए ना भाई, जितना कमाए वो चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें महात्मा फूले बोर्ड चाहिए, उसके लिए लाठी खाई, डंडे खाए, जेल गए, अनेक मुकदमे खाए, ये जो लोग बैठे हैं जेल जाने वाले बैठे हैं ये कह रहे हैं भाई जी दोबारा कुछ चालना है, अरे मैं डंडो की बहुत सारे लोग फोन करके सुबह कहते हैं भाई जी सबसे पहले मरबाता तैयार हो,
साथियों मरने नहीं है। आपका एक खून तो बहुत होगी, मतलब पसीने की बूंद नहीं आने दूंगा आपके शरीर पे, बस आप तो मजबूती के साथ खड़े रहो। हमें आज ये महात्मा फुले बोर्ड बना है तो लाठियां खानी पड़ी है, डंडे खाने पड़े हैं, जेल जानी पड़ी है जब जाके महात्मा फुले बोर्ड बना है। अब लोगों को ये पता नहीं है बोर्ड बन गया तो क्या फायदा होगा, अरे इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपको टाप लो बैग उठा लो सीधो जयपुर चल जा लो, रेमा की जगह भी कुछ नहीं मिले, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया हॉस्टल बनेगा। काल में अपना परिवार में कोई जवान छोर खत्म हो जाए तो भी को परिवार तो लोगों ने, लेकिन ये महात्मा फुले बोर्ड बना लो तो 11-21 लाख रुपए की तुरंत मदद हो जाएगी। बताओ परिवार बच्चों को बच्चों आज तरफ कापरे जयपुर पढ़वा जाएंगे जाए थे ना, वो एक बापू 10,000 रुपए मकान की रेंट करवाए खेल थे। अब लेकिन आप गए शुरू साल दो साल बाद में ऐसी कर्ज कदे हो गई, वो सीधो बैग खा लो सीधो जयपुर जाएगा किराए का रिक्रिया मान लगी जरूरत करे और तो और खबा की चिंता भी बोले और काम की बात है ये तारकन तेल साफ़ की रुपया मांग वाली जनते बोले वो भी सरकारी। तो एक धीरे 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 लड़ाई लड़ चुके, मतलब थाने गुमराह हो वही जनते ने थाने बहुत लोग हैं गुमराह करवाएगा नहीं ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे गुमराह होने की जनते आपको कहीं भी कोई बरगला हो तो बरगला वही जनते ने लोग थारे तोड़ पाएंगा कि वो फलाड़ो है वो यहाँ है थारे टूट पाएगी जनको ने, बल्कि अपनी बार तो स्वागत खाली महात्मा ज्योतिबा फुले की थाने यही बोल दो कि महात्मा ज्योतिबा फुले आपने लिए फोटो तो लगा दी मूर्ति लगा दी लेकिन ये आपने लिए लड़ रहा, ये जब अपने लिए लड़ रहे थे तो आप अपने लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था और पहले का आते हैं घर से बाहर के निकला था ध्यान से कालो कर निकाल आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन एक ही सुगन डाली कि जब तक मेरी कौम का भला नहीं हो जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं चाहे चाहे टांग टूटे चाहे हो वहां मेरे पे इतने अत्याचार हो मेरे वहां कई डंडों से मारा पीटी की जा लेकिन कहा गया भाग जाओ मैं नहीं भागने वाले नहीं है ये कायर को मैं पैदा नहीं है और एक मालर ने ऐसे बेटे को पैदा नहीं किया तो भाग जाए। इसलिए बुलंद आवाज करो बेखौफ होकर अब गले से कुर्दन नहीं किसी ने सच कहा है ध्यान से सुन लेना आंधिया हमने ला दी है आंधिया हमने ला दी है अब बबंडर इसको खड़ा करना है आंधिया हमने ला दी है बबंडर हमें खड़ा करना है अब गले से चू चपाट नहीं करनी मेरे साथियों एक बुलंद आवाज में हुकार बननी है और दुनिया को बता देना कि राजस्थान में 1.5 करोड़ है सरकार गिर भी सरकार बढ़ा भी सरकार राजस्थान की सरकार वर्तमान में 1,36,00,000 वोटा की है। अरे आप जिस दिन ऐसे करोगे उस दिन काम हो जाएगा। एक बार 75 साल से वोट देता रहा हो क्यों उखाड़ लिया तो 5 साल अखबार के दिन 5 साल भी नहीं क्या जो अखबार हमारी बात मान सी जो हमें हमारे 11 सूत्री मांगी देगा जो हमारे आरक्षण की बात करेगा जो हमारे लिए महात्मा फुले बोर्ड का सही गठन करेगा जो हमारे लिए बाग बाग में बोर्ड बनाएगा। आप खेती बाड़ी करवा रहे आदमी हो आपने छोटी छोटी सब्जी बाड़ने वाले लोग हो थारा टमाटर बिगड़ जाए थारो कोई भी सब्जी बारे हो बैंगन बारे हो मिर्ची बारे हो अगर वह खराब हो जाए तो कोई पीसा के मावेंगे कोई दे नहीं आता ना तो सरकार को नहीं क्या कि भैया एक हमारे लिए बाग बाग नहीं बोर्ड बनाते क्या दौर आ रहा है सबको दे लेकिन साथ साथ हमने भी दे बस यही लड़ाई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा आप बहुत सारे लोग आपको वाजे अनेक प्रकार का पासा फेंकते हैं आपके पास आके आखिर जगता है
वो आए सी पे से लगा के फोन कहते हैं आपको और आप घूम रहे हो जब तक मेरे साथ आप नहीं चलना चाहिए। आपको अपने बहते हुए रक्त में जो शरीर में जो खून दौड़ रहा था इतने सालों से ठंडा था उसकी सुगंध खा लो कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब झुकने वाला नहीं हूँ, अब तो मान सम्मान की बात करता और सरकारों से आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मैं मेरे विधायक कुछ नहीं जानता, जो हमारी बात करेगा जो हमारी 1100 मांगे उठाएगा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। भैया ठप्पा चाहिए तो मांग ले जा, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। समय की बहुत व्यस्तता है, आगे कार्यक्रम है, इसलिए मैं कम समय लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, ये शानदार कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं शानदार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, एक बात याद रखना, आपका माओ मैं आपका बेटा हूँ। आप एक बार निश्चित क्या ये गर्दन कर जाएगी इन सर दुखेदार की, कभी भी आप ये नहीं सोचना कि आपके मान सम्मान में कोई खरोच आ जाऊंगा। हार पार की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका होना चाहिए। जहां झंडा गाड़ दिया खूंटा गाड़ दिया वहां गाड़, आपने खूंटा गाड़ के बता दिया कि आज तक जयपुर जाम नहीं हुआ लेकिन आपने जयपुर जाम कर दिया। बताओ आज जयपुर जाम कर दिया आपने, ये कमजोर बात है क्या? कोई की हिम्मत नहीं आज तक लेकिन आपने कर दिखाया, इसलिए अपने आप को कमजोर मत मानो। हम गुलाम जी की बेड़ियां झुकड़ो, जो बेड़ियों में झुकड़े हुए उनको तोड़ दो, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे बच्चों को कलेक्टर आईएएस बना सकते हैं और जब ही संतुष्ट होगा मैं तो जस इस गांव में से कोई कलेक्टर बनकर जाएगा, जब इस गांव की बेटी एसपी बनेगी, थानेदारनी बनेगी। आज और के बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अरे हमारी बेटियां जब कलेक्टर बनेगी गाड़ियां चू चू करती गांव में आएगी, बताओ मजा आओ करा। तो आप इनको बाहर निकालो, अब वक्त आ गया इनको अपनी बुलंदियों को भी छूने की। इनको ये मत अपनी छोटी मान चिंता बाहर निकालो, इनको तख्ती मारो और जयपुर में कह दो भैया कलेक्टर बन रहा है, छोटी मोटी नौकरी में कौन करनी, बहुत कर लिया हमने छोटी मोटी नौकरियां, अब एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार, और शानदार कमेटी का जो आयोजित कार्यक्रम किया उसके लिए आभार, और तीन नारे के साथ समर्थन दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठकर उठाकर समर्थन दीजिएगा। हम हमारे हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हमारी एकता, हमारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हेलो हेलो, हाँ सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे समाज बंधुओं,